नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 8 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुधवार है चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो शाम छह बज के अठावन मिनट तक है और इसके पश्चात द्वितीया है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है शूल योग बालोकरण है बात हुई पुंचांग चंद्रमा आज सिंह राशि में प्रातः आठ बज के चौवन मिनट तक इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर बारह बजे से दोपहर एक बजकर के तीस मिनट तक का हो होगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज से चैत्र मास प्रारंभ हो रहा है और आज होली का प्रसिद्ध पर्व काशी के अलावा अन्यत्र सभी जगह पर मनाया जा रहा है दिव्य महाप्रयोग में दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की हम चर्चा करेंगे दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे साथ ही साथ 31 मार्च दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहु मेष में है मंगल वृषभ में चंद्रमा शुम्भ में है आठ बज करके चौवन मिनट तक इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु तुला में है सूर्य बुध और शनि ये तीन ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं देव गुरु और दैत्य गुरु युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं गोचर कुंडली में आठ बजकर के चौवन मिनट के बाद देवगुरु और दैत्य गुरु दोनों की दृष्टि चंद्रमा पर होने से उच्च कोटि के गजकेसरी योग का निर्माण होगा यह योग आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहना चाहिए वैसे तो होली का पर्व है तो संभवतः हर जगह पर छुट्टी हो लेकिन यदि आपके यहाँ होली मना ली जा चुकी है और छुट्टी नहीं है तो भी कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है कौन सी वो राशियां हैं जो अपना नया कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें नया कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह है स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशि फल को देख सकते हैं सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करें तेरह मार्च दिन सोमवार आभूषण निर्माण धारण दोनों का मुहूर्त मिल रहा है नामकरण अन्न प्राशन अक्षरारंभ विद्यारंभ नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है तो उसका मुहूर्त है वर वरण कन्यावरण वधु प्रवेश कर्ण वेद संस्कार के भी मुहूर्त मिल रहे हैं तो वहीं आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका भी मुहूर्त है मंदिर इत्यादि की प्रतिष्ठा करानी है मूर्ति की प्रतिष्ठा करानी है वाहन क्रय करना है तो ये सभी कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं लेकिन अब समस्या ये है कि इन सभी मुहूर्तों के लिए जो समय मिल रहा है वो छह बज करके बीस मिनट से सात बज करके उनतीस मिनट तक अथवा फिर दोपहर दोपहर में है ये मुहूर्त तीन बज करके चौवन मिनट से शाम छह बज करके नौ मिनट तक तो आशा करता हूं अगर मूर्ति प्रतिष्ठा इत्यादि का जो मुहूर्त है वो तो प्रातः काल ठीक है लेकिन वाहन क्रय इत्यादि करना है तो तीन चौवन से छ बज करके नौ मिनट के बीच शाम का जो मुहूर्त है उस मुहूर्त का इस्तेमाल किया जा सकता है प्रिय दर्शकों ये तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली जो है वो हमारे जीवन का आईना है हमारे जीवन में जो भी अच्छाई या बुराई जो हम सुख या दुख देखते हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारे अपने ही कर्म हैं नाभूमत छी कर्म जन्म कोटिश ती और जन्म कुंडली तो बस एक आईना मात्र है यह प्रदर्शित करता है कि ऐसी स्थिति है तो इस तरह के कष्ट आपको आपके जीवन काल में देखने को मिलेंगे जन्म कुंडली में यदि अष्टम भाव में कोई पापक कोई नीच का ग्रह हो और ऐसे नीच के ग्रह पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए ध्यान रखिए इस सूत्र में एक ही बात ध्यान रखना है कि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि जैसे देवगुरु इत्यादि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए अगर देवगुरु इत्यादि की दृष्टि हो तो इस सूत्र में इस जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें बहुत हद तक अंतर आ जाएगा तो जन्म कुंडली के अष्टम में कोई नीच ग्रह हो और उस पर यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक को आजीवन कष्ट और परेशानी बनी रहती है यह पूर्व जन्म के कर्म का द्योतक है जहां जातक को इस जन्म में अपने पाप कर्मों को अब पाप कर्म कहिए या जो भी कहिए अपने पूर्व के जो अर्जित प्रारब्ध हैं उसे काटना होगा वहीं यदि जन्म कुंडली में शनिदेव चतुर्थ स्थान के स्वामी से अष्टम में हो फिर से जन्म कुंडली में शनिदेव चतुर्थ स्थान के स्वामी से अष्टम में हो और नौमांस में यह शनिदेव किसी विषम राशि में अर्थात एक तीन पांच सात नौ इत्यादि ये जो विषम राशियां हैं इन राशियों में जाकर के बैठे हो, तो जातक आजीवन परेशानी से जूझता रहता है उसे कष्ट होता रहता है इस सूत्र को जरा एक बार समझने का प्रयत्न करिए प्रिय दर्शकों वैसे तो जन्म कुंडली के करिएम में क्या कहा गया है यदि कोई ग्रह नीच का होता है तो नीच भंग योग बन जाता है लेकिन सूत्र में मैंने क्या समझाया कि नीच का ग्रह हो और ऐसे नीच के ग्रह पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो सीधी सी बात है जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ी तो वो पाप नीच ग्रह और प्रबल हो गया जन्म कुंडली का अष्टम भाव आयु का भाव है परंतु उसे मृत्यु का भाव कहा जाता है मारक भाव कहा जाता है क्यों क्योंकि वो आपके भाग्य का नाश करता है भाग्य का व्यय करता है अब यहां पर यदि कोई नीच ग्रह बैठा हुआ है तो सीधी सी बात है कि आपके द्वारा जो आपके अच्छे कर्म हैं जिनके चलते आपका भाग्योदय हो सकता है कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध कट करके वर्तमान किए कर्मों का या अच्छे कर्मों का आपके जीवन में उसका प्रभाव मिलेगा उससे आपका उत्थान होगा उस पर यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो आजीवन जातक कहीं ना कहीं संघर्ष परेशानी से जूझता ही रहेगा दूसरा जो सूत्र आपको मैंने बताया ये ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं जन्म कुंडली का चौथा भाव सुख का है शनिदेव को आपके कर्म का हमारे कर्म का कारक ग्रह कहा गया है हमने जो कर्म किया है उसका भोग देने में शनिदेव का सबसे बड़ा हाथ है अब वो सुखे सुख भाव से यदि अष्टम में हो षडाष्टक योग बना दे और नौमांस में देवी राशि में वो चले जाए तो फिर उस अवस्था में जातक के जीवन काल में कहीं ना कहीं कष्ट परेशानियां निरंतर बनी ही रहेंगी अगर केवल सुखेश से भी शनिदेव जन्म कुंडली में अष्टम भाव में आपको दिखाई पड़ते हैं तो इस अवस्था में देखने को आता है कि जातक के घर में कलह की स्थिति भूमि भवन वाहन के सुखों से संबंधित उसको परेशानी जब भी इस तरह के चीजों को वो स्वयं के जीवन में ले आता है कोई कष्ट परेशानी होने लगती है यानी कहीं ना कहीं सुख से वो वंचित होने लगता है यदि आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं तो इसका एक सरल सा निदान आपको मैं बताता हूं अब निदान तो सरल ही होता है पर आप अगर करना चाहें तो आपके लिए सरल हो बाकी तो है तो ये फिर कठिन प्रदोष का व्रत यदि प्रदोष व्रत किया जाए और प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना की जाए तो पूर्व के जो भी जन्मार्जित पाप हैं जो भी हमारे जन्मार्जित कर्म हैं हमारे प्रारब्ध हैं उनको भोलेनाथ की आराधना से प्रदोष उपसर्ग है दोष के आगे जो हमारे पूर्व के दोष हैं उसका समन हो सकता है तो आप प्रदोष का व्रत करिए अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं या ऐसा हर वो व्यक्ति जिसके जीवन काल में संघर्ष परेशानियां उसका जैसे पीछा ही नहीं छोड़ रही हूं उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरे जीवन काल में जैसे जन्म कुंडली में शनि राहु की युति हो तो इसे श्रापित योग कहा गया है इस योग में भी जातक को जीवन काल में बहुत संघर्ष देखना पड़ता है बहुत परेशानी उसको देखनी पड़ती है कष्ट परेशानी उसका पीछा ही नहीं छोड़ता तो ऐसे जातक को प्रदोष व्रत करना चाहिए तो अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कोई भी योग है तो प्रदोष व्रत करिए भोलेनाथ की आराधना करिए प्रदोष काल में भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करिए निसंदेह भोलेनाथ की कृपा से आपके जो कष्ट परेशानी के दिन हैं हैं अवश्य दूर होंगे चलिए चलते राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के के क्रम में पहली राशि राशि मेष जातकों को ये वैसे तो छुट्टी है लेकिन यदि आपकी छुट्टी समाप्त हो गई और आज कार्यस्थल पर है तो जरा सचेत रहिएगा दिन थोड़ी परेशानी देने वाला है विशेष करके कार्यस्थल पर आज वैसे तो आप सबका हित करना चाहेंगे परंतु लोग कहीं ना कहीं आपके इस वर्ताव को अहंकार के रूप में देखेंगे संभव है कि लोग जो आपके अपने हैं वो भी कहीं ना कहीं शत्रु आपके बन जाएं तो विशेष करके लोगों से सलाह देने से आज आपको बचना होगा और एक और बात दूसरों से ज़्यादा उम्मीद भी आज आपको नहीं रखनी है अगर जहां भी रहिए अपने काम से काम रखिए सबके साथ अगर घर पे हैं छुट्टी मना रहे हैं तो तालमेल सबके साथ बना करके ही चलिए और प्रयास निरंतर करते रहिए लगभग हर दिशा से आपको प्रयास करने से ही सफलता मिल सकती है नहीं तो छोटी मोटी परेशानियां निरंतर रहेंगी और एक और बात का ख्याल रखिए एक समय में आज एक ही काम करिए हां यह अच्छी बात है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों को अंतोगत्वा गत, आप पार जरूर कर लेंगे पूरे दिलो दिमाग से अगर आप काम करें तो परेशानियों को पार कर लेंगे पर फिर भी सावधानी में ही आज आपकी सुरक्षा है परेशानियां तभी आपकी दूर होंगी व्यापारी बंधुओं को भी एक सलाह देना चाहता हूं जरा सचेत रहें ऐसे कार्य क्षेत्र में आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा लेकिन परिस्थितियां कुछ मामलों में आज आपके विपरीत भी, भी काम करेंगी तो जरा सचेत रहिएगा विशेष करके यात्रा आपके लिए आज सुखद नहीं है किसी भी तरह की यात्रा न करें मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें वाहन चलाते समय सावधान रहें और परिवार के सदस्यों के साथ रहें परिवार के सदस्यों की जो भी परेशानियां हैं उस पर ध्यान दें उसकी अनदेखी न करें जीवन साथी को लेकर के जरा सचेत रहिए आपका व्यवहार आज जीवन साथी को नाराज कर सकता है संबंध बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है दाम्पत्य जीवन के मामले में तो वहीं प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ पर रही है आप की कोई बात प्रेमी को कड़वी लग सकती है विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत आप जितना हो सके करिए कोशिश करिए तभी सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है और कफ जनिरोग की भी संभावना लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है बाकी सभी लोग आप अन्यत्र जहाँ जहाँ रहते हैं होली के अवसर पर भोलेनाथ से होली खेलने की जो चर्चा मैंने कल की थी आप उसी के हिसाब से होली खेलिए बाकी सभी जो लोग हैं वो कौए को आज रोटी प्रातःकाल ही दें फायदा रहेगा वृषभ के जातकों की बात करूँ तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना इसके पश्चात ये राशि से पंचम में चले जाएंगे यूं समझ लीजिए कि आपके व्यक्तित्व को ये बेहद आकर्षक बनाएंगे लोग आज आपसे घुलने मिलने का भी प्रयत्न करेंगे और लोग आज आपकी राय मानेंगे संभव है कि आपकी कड़वी वाणी या क्रोध के कारण कुछ लोग बुरा भी मान जाएं पर ध्यान रखिए कि कोई भी बात कहिए सीधा कहिए आज तोड़ मरोड़ कर बात पेश करना ठीक नहीं है वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है कम बोलेंगे तो लोग आपकी बात को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहेंगे प्रेमियों के लिए दिन है तो बड़ा ठीक लेकिन कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं है प्यार का इजहार करने की वो मन में रखें हैं मन में ही रखिए कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी धन की बचत करिए निवेश करने के दृष्टिकोण से अभी का दिन ठीक नहीं है और खर्च पर नियंत्रण आपको अपने रखना होगा मद्यपान मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखनी है खान पान जितना हो सके सात्विक होना चाहिए व्यापारियों की बात करो दिन महत्वपूर्ण है व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन कहीं भी आपको नुकसान दिखाई नहीं नुकसान देता दिखाई नहीं पड़ रहा है सफलता जो अपेक्षित सफलता है वो मिलेगी प्रसिद्धि मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है हर किसी पर भरोसा मत करिए आज भरोसे वाला ही आपको आज धोखा देने वाला है लव लाइफ के दृष्टिकोण से ठीक है जैसा मैंने कहा प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत सचेत रहना है पेट में जलन पित्त जन्य रोग की संभावना है मसालेदार भोजन मांसाहार मद्यपान से आपको पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी है लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पूरी तरह से सफलता लेकर के आ रहा है तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृषभराशि के जातकों के लिए दिन ठीक है जरा सावधानी बरतने की आवश्यकता है और आज किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए उसे भोजन कराइए लकीी अंक आपके लिए एक लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और बाकी के सभी वृषभ राशि के जातक जो जिनके यहाँ होली आज मनाई जा रही है मैंने भोलेनाथ की आराधना करने के लिए अभिषेक करने की जो विधि बताई थी उसी विधि से उनकी आराधना करिए उनका अभिषेक करिए मिथुन के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है आपका परंतु गृह कलह भी कराने वाला है मनमानी करने से बचिए आज आपका मनमानापन मनमानी करने की करने का जो स्वभाव है इससे आपके माता पिता जो आपके शुभचिंतक चिंतक है वो नाराज हो सकते हैं वैसे तो मौके मिलते रहने वाले हैं आपको पर फिर भी जरा सचेत रहिए कहीं भी जल्दबाजी मत करिए कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी भली भांति उसका विचार पहले करिए वैसे दिन ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही परंतु आपके अपने आप से दुखी ना हो धैर्य के साथ कोशिश करते चले जाइए तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तब भी आपको सचेत रहना होगा सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं बाकी वैसे जो भी जरूरत की चीजें हैं वो कुल मिलाकर के एक एक करके आपको प्राप्त होने वाली है आप अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं प्राप्त तो कर ही लेंगे पूरे तरह से आप आज सक्रिय हैं आपकी सक्रियता में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा विशेष करके अगर उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और जीवन साथी के मान सम्मान में कोई कमी ना हो इस बात का भी ख्याल रखिए व्यापारियों के लिए दिन ठीक है नौकरी पेशा लोगों के लिए वैसे तो छुट्टी ही होगी लेकिन अगर आप कार्य क्षेत्र में तो कोई बड़ा परिवर्तन मत करिएगा खर्च पर अपने नियंत्रण लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा प्रेमी की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़िए प्रेमी का सहयोग आपको प्राप्त होगा जीवन साथी से आज आपको पूरी तरह से सहयोग मिलने वाला है पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आनंददायी रहने वाला है दिन मन पढ़ाई में लगेगा विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के, के आज के दिन को मैं अच्छी सफलता देने वाला कहूंगा बाकी तो होली है हर जगह तो सफलता तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से ही होती है आज तो आनंद में ही बीतेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है और बाकी सभी मिथुन राशि के जातक जो मैंने भोलेनाथ की आराधना करने की विधि बताई थी आज अभिषेक करने के लिए वैसे ही करिएगा बाकी जिनके यहाँ होली नहीं है वो आज जाकर के कहीं भी किसी धार्मिक स्थल में आज शीश नवा लीजिएगा लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए आज पिंक है शुभ के जातकों की बात करूं कर्क के जातकों की बात करूं तो कर्क के जातकों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा लगातार प्रयत्न से आप यूं समझ लीजिए आपकी कोई जबरदस्त चाहत जो थी वो पूर्ण होने वाली है अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आप चहुओर सफलता हासिल करने वाले हैं शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से आप पूरी तरह से आज सक्रिय रहेंगे कुल मिलाकर के दिन पक्ष में है आपके छुट्टी नहीं है कार्यस्थल पर है तो दिन बहुत अच्छा है परंतु ध्यान रखिएगा आज वाहन चलाते समय जरा सचेत रखना है, रहना है और अपने वस्तुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है आज किसी करीबी के द्वारा आपको अपशब्द या आपको धोखा दिया जा सकता है करीबी का व्यवहार आज आपको दुखी करने वाला है बाकी ऐसे बाहरी किसी और से कोई नुकसान तो नहीं और कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही बाकी मामलों में आपको फायदा ही मिलने वाला है काम आपका होगा कहीं कोई काम नहीं रुकता दिखाई पड़ रहा है पारिवारिक जीवन में भी सुख है अब सवाल ये उठता है कि जब पारिवारिक जीवन में सुख है तो कौन से करीबी हो सकता है ऐसा कोई करीबी जो मित्र इत्यादि या बाहरी परंतु करीबी ही होगा वो भी व्यापारी की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक है जरूरत पड़ने पर आपके काम सारे बनेंगे जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेंगे ओवर कॉन्फिडेंस या अति महत्वाकांक्षा आज आपको नुकसान देने वाली है तो जो मिल रहा है जितना मिल रहा है परेशानियां जहां न हो उन्हीं कार्यों को चुनिए मतलब जो काम आसानी से हो जाए जहां टेंशन न हो जीवन साथी से सहयोग मिलेगा प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी विशेष करके कंप्यूटर फील्ड के इंजीनियर इत्यादि हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत सहयोगी है सफलता प्रदायक है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है स्वास्थ्य आपका अनुकूल है घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक दो लकी कलर लाइट ब्लू है और बाकी तो जितने भी कर के जातक हैं जैसे मैंने भोलेनाथ की आराधना होली के विशेष पर्व के लिए बताई थी वैसे कर लीजिएगा शुम के जातकों की लिए हम बात करें तो गुजर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से राशि पर होना आठ चौवन परि राशि से आपके द्वितीय में जाएंगे जो कि ऊर्जा का संचार करेंगे वाणी पर नियंत्रण रखिएगा धन का खर्च जरा सोच समझ करके करिएगा हाथों ही हाथ में जैसे बातों ही बात में कोई आपको कोई पेशकश करे कोई काम मिले और तुरंत हाथों हाथ स्वीकार कर लेना ऐसा मत करिएगा असफलता का मुंह देखना पड़ेगा किसी मित्र से आज आपको कोई विशेष उपहार प्राप्त होने वाला है मित्रों के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है जीवन साथी का साथ मिलेगा प्रेमियों के लिए भी अच्छा है दिन कुल मिलाकर के दिन अगर छुट्टी का है तो आनंद से बीतने वाला है परवाणी पर नियंत्रण रखिएगा कार्य क्षेत्रों में तो आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे और अंत तो गतवा जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है काम काज ज्यादा होने से भी परेशान मत होइएगा आपका कोई काम आज रुकने वाला नहीं है धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता है तो चिंता दूर होगी शीघ्रतिशीघ्र कहीं ना कहीं से धन संबंधी आपको सहयोग मिलेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन को ठीक कहा जाएगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में पूर्व से यदि कोई परेशानी है तो जरा ध्यान दे दीजिएगा डॉक्टर से जरूरत हो तो सलाह भी ले लीजिएगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा और विद्यार्थियों की बात करूँ तो छुट्टी है तो अच्छी बात आनंद करिए बाकी थोड़ी मानसिक तनाव आपको रहने वाली है विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं है खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिएगा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा और आप अपने लिए अगर देखें तो किसी भी तरह के शारीरिक जोखिम वाले काम से बचिएगा आज का दिव्य महाप्रयोग तो बस यही है आपके लिए कि भोलेनाथ पर आज शहद अर्पित करिए बाकी सिंह राशि के जातकों के लिए भी कहूंगा कि शहद ही अर्पित कर लीजिए इससे भी बात चल जाएगा भोलेनाथ के साथ ही अभिषेक कर खेलना है तो मैंने तो अभिषेक भोलेनाथ के साथ ही होली खेलनी है तो मैंने अभिषेक करने की विधि बताई थी वैसे कर लीजिए नहीं तो आज शहद अर्पित कर लीजिएगा इससे भी बात बन जाएगी और बात यदि हम कन्या की करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है व्यय पर नियंत्रण रखना होगा वाणी पर नियंत्रण रखना होगा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मामलों में मदद मिलेगी कोई काम आपका रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है ऋण से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, कर्ज को लेकर के जूझ रहे हैं तो बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा करियर में यदि कोई विशेष परेशानी है तो समझ लीजिए मार्ग मिलेगा एक बड़ी छलांग मारने के लिए आप तैयार हैं संबंधों को विशेष महत्व दीजिए क्योंकि किसी न किसी मित्र या किसी ऐसे दोस्त के सहयोग से आपका काम बनने वाला है खर्च पर नियंत्रण रखना होगा गुस्से पर भी नियंत्रण रखना होगा आपके जितने भी जरूरी काम है वो सब एक एक करके आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं याद रखिए कि कोई भी कार्य जो हाथ में ले रहे हैं उसे पूरा करने का ही प्रयत्न करिएगा बस जल्दबाजी नहीं करनी है प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद है और सबसे जरूरी है कन्या राशि के जा तक किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को आज मन में जगह न दें तो इससे ज्यादा अच्छा होगा दिन और सबसे एक और बात ध्यान रखना है खर्च पर नियंत्रण रखना है और कोई गैर कानूनी काम नहीं करना जब किसी की किसी को आवश्यकता हो आपकी मदद की तो खुशी खुशी आज मदद भी करिएगा विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है मामूली थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है कमर दर्द की भी शिकायत संभव है कन्या राशि के जातक आज सबसे पहले तो घर पर ही अपने इष्ट देवता का ध्यान करें बाकी सभी कन्या राशि के जातकों के लिए कल मैंने विशेष अगर आपके यहां होली आज है तो भोलेनाथ के संग होली खेली अभिषेक करके लकी अंक एक लकी कलर आपकी आज पीला है तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए जरा सचेत रहने की सलाह दे रही है किसी तरह के गैर कानूनी काम में फंस सकते हैं कोई ऐसा आपका मित्र है जो कहीं ना कहीं गलत कार्यों में संलग्न रहता है ऐसे मित्र से दूरी बना करके रखिएगा काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं काम में कहीं कोई देरी नहीं दिखाई पड़ रही है जल्दबाजी मत करिएगा सोच समझ करके काम करिए छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी स्वास्थ्य में भी परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है एक के बाद एक चिंता की स्थिति आपके सम्मुख उपस्थित होती रहेगी और व्यस्तता भी बनी रहेगी कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो थोड़ा सा आपको चिंतित करे दुखी करे कानून से जुड़ा भी कोई कानून से जुड़ी भी कोई परेशानी आपके जीवन काल में आने वाली है तो जरा सचेत रहिएगा काम में मन कम ही लगेगा व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी किस्मत का साथ कम ही मिल पाएगा कुल मिलाकर के देखिए तो एक सरल सलाह है घर पर रहिए परिवार के सदस्यों के साथ रहिए शांति के साथ इस दिन को बनाई बिताइए प्रेमियों के लिए अच्छा है दिन प्रेमी के साथ अच्छी ट्यूनिंग बैठने वाली है दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद ही है और विद्यार्थियों की बात करूं तो अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी मिलेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है प्राणायाम इत्यादि करिए और विद्यार्थियों के लिए भी लगभग ठीक है दिन बहुत अच्छा नहीं है आज सभी तुला राशि के जातक भोलेनाथ की अभिषेक भोलेनाथ की आराधना करें उनका अभिषेक करें जिनके यहाँ होली है भोलेनाथ के संगी होली खेलें बाकी और सभी तुला राशि के जातकों को मैं कहूँगा कि कोई जरूरतमंद हो तो उसे वस्त्र मुहैया कराइए इससे आपको फायदा मिलेगा लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज सफेद है वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आप किसी भी फील्ड के हों दिन ठीक है घर पे हैं तो अच्छा है प्रेम संबंधी मामलों में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो वो दूर होगी प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं यात्रा सावधानी के साथ कर सकते हैं दाम्पत्य जीवन सुखद व्यापारिक पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो वहां भी सब कुछ ठीक ठाक है अगर अनमन की स्थिति थी तो वो दूर हो जाएगी कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं यानी कुल मिलाकर के दिन आपके लिए चारों तरफ से मुझे फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आपके लिए भी अपना कोई अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं कोई पसंदीदा आपकी वस्तु है जिसे खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं कुल मिलाकर के आपकी सफलता कहीं से भी बाधित होती दिखाई नहीं पड़ रही है छहोर से मैं आपको सफल होते देख रहा हूँ व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभदायक है और अचल संपत्ति से संबंधित कोई लेन देन है तो आज आप अवश्य करिए कहीं भी रहेंगे घर में रहिए ऑफिस में रहेंगे फील्ड में रहेंगे आगे बढ़िए कहीं कोई दिक्कत नहीं जीवन साथी का साथ मिलेगा प्रेम संबंध के लिए दृष्टिकोण से दिन है ही बहुत अच्छा और बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बस माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल जरा सा रखिए बाकी स्वास्थ्य में ऐसे कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है अपने स्वास्थ्य के लिए अगर देखें तो मौसमी बीमारियों से जरा सचेत रह जाइएगा खान पान को लेकर के जरा सचेत रहिए नियंत्रण में खाना खाइए आज किसी साधु या सन्यासी को धन दान या अन्नदान संभव हो तो भोजन ही कराइए लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपके यहाँ होली है तो फिर तो कल जो उपाय मैंने बताया था भोलेनाथ के संग होली खेलने का वो करिए नहीं था ये उपाय कर लीजिएगा धनु के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आज अपने बुद्धि अपने ज्ञान अपने धैर्य अपनी क्षमता के बल पर हर तरह की सफलता आप हासिल करेंगे यूं समझ लें कि परिस्थितियाँ चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो आपसे पराजित होंगी आप अपनी मानसिक ऊर्जा और सकारात्मक सोच के दम पर हर जगह सफलता हासिल करने वाले हैं आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानी थी कोई अनबन कलह की स्थिति थी तो वो दूर होगी घर पर हैं तो स्थिति और अच्छी होगी जिनके साथ संबंध बिगड़ गए हैं उनके साथ भी संबंध को सुधारने के लिए दिन बहुत बढ़िया है यूं समझ लीजिए जैसे भाग्य आपका साथ पूरी तरह से देने लगा है आपके सभी कार्य जो कि आप हाथ में लिए हैं एक एक करके फटाफट पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं स, आपके सभी वो कार्य जिनकी आपने योजना बना रखी थी वो सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों के लिए अच्छी सफलता प्रदायक बन रहा है दिन और बस इतना ही ध्यान रखें कि धनु राशि के जातक आज आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें ये ध्यान आपको रखना होगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है जीवन साथी का सहयोग आपको पूरी तरह से प्राप्त होने वाला है यानी दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से आपका सुखमय संबंध में मधुरता आएगी बाकी भाग्य तो आपके साथ है ही तो कुल मिलाकर के आज के दिन का अब दिन का आप आनंद लीजिए विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है बल्कि अगर पूर्व से कोई परेशानी रही है तो आपको राहत मिल जाएगी वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधान रहेगा लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है और सभी धनुराशि को जात के जातकों को मैं सलाह दूंगा कि जैसे मैंने भोलेनाथ के लिए अगर आपके यहाँ होली है तो अभिषेक करने की जो व्यवस्था बताई थी वैसे कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बाकी अगर होली नहीं है तब तो भगवान का नाम भगवत स्मरण करते रहिए गणेश जी का ध्यान करते रहिए सब ठीक रहेगा मकर के जातकों की बात करूँ सचेत रहिए अगर होली है आपके यहाँ तो आपको बहुत सचेत रहना है आप परेशानी में पड़ेंगे आप मुसीबत खड़ा करेंगे क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा और कार्यक्षेत्र में अगर छुट्टी है नहीं है होली इत्यादि से आप बाहर आ चुके हैं होली आपके है नहीं है तो भी सचेत रहना आज रिश्तों में परेशानी गड़बाहट उत्पन्न होते दिखाई पड़ रही है जहां भी रहिए आज आपको सावधान रहना है कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आपको बचना है अति उत्साह में आकर के केवल और केवल गलत निर्णय ही आप करेंगे तो सावधानी बहुत जरूरी है आपकी ऊर्जा आज गलत दिशा में जाने वाली है तो सबसे जरूरी काम क्या है आपके लिए कि जो भी आपके पीछे के छूटे काम है उन्हें ही पूरा करिए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िए और कोई खास कार्य पूरा करने की सोच रहे हैं तो वहां भी मैं आपको सचेत रहने की सलाह दूंगा बिना सोचे बिना बिचारे किसी पर भरोसा मत करिए तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं परेशानी में देख रहा हूं सावधानी बहुत आवश्यक है जल्दबाजी के चलते केवल और केवल नुकसान होगा कहीं चूक होगी बड़ा नुकसान हो जाएगा अपनों की अहमियत को समझिए और सबका सम्मान करिए स्वास्थ्य का अपने विशेष रूप से ख्याल रखिए माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए घर पर हैं तो जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए और सबसे जरूरी बात अपनी जिम्मेदारियों से भागने की गलती मत करिए विद्यार्थियों के लिए भी मैं दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा पढ़ाई में मन कम लगेगा या मन नहीं ही लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है कोई ना कोई पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा कफ जन्य रोग की संभावना है तो मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा सावधानी बहुत आवश्यक है पिता के आज सम्मान करिएगा और अगर होली आपके यहां है तो मैंने पूर्व में जिस तरह से होली के लिए बताया था भोलेनाथ के संग होली खेलने के लिए वही करिए अन्यथा आप अपने घर पर हैं तो बस माता पिता का सम्मान करिए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए लकी एक लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है कुंभ के जातकों की बात करूं तो बिना बात क्रोध करना उत्तेजित हो जाना किसी का अपमान करना यह आपके लिए ठीक नहीं है अगर घर पे हैं तो अपनी जो भी जिम्मेदारी है उन्हें पूरा करिए कार्यक्षेत्र में है तो भी आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप केवल और केवल अपना नुकसान करेंगे जरूरत से ज्यादा जोश दिखाना ठीक नहीं है जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखिएगा वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है अपने स्वास्थ्य का तो विशेष रूप से आपको आज ख्याल रखना है जरूरत से ज्यादा काम मत लीजिए और जहां भी रहिए मिलकर के काम करिए तभी आपको सफलता मिलेगी कार्यक्षेत्र में है तो उच्चाधिकारियों से संभवतः किसी न किसी बात को लेकर के परेशानी हो जाएगी उंचाधिकारी आपसे नाराज हो जाएंगे वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहना है घर में है तो पिता के साथ संबंध में परेशानी आती दिखाई पड़ रही है यानी कुल मिलाकर के परेशानियों से भरा रहता दिखाई पड़ रहा है दिन सावधानी जरूरी है और जिस कार्य में हाथ डालिए सबसे जरूरी है कि वो कार्य जब तक पूरा न हो जाए उसमें से बीच में से हाथ न हटाइए पूरा कार्य करिए लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं सामान्य कहूंगा दाम्पत्य जीवन के भी दृष्टिकोण से कहूं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को तनाव की स्थिति से जूझना पड़ सकता है तनाव आपको होने वाला है विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो ये स्थिति आपके साथ विशेष रूप से होगी और स्वास्थ्य का तो आपको ख्याल रखना ही होगा स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और बाकी जिनके यहां होली है वो मैंने जैसा होली खेलने के लिए कहा था उसी तरह से होली खेलिए सबसे अच्छा होगा भोलेनाथ के संग और मीन के जातकों की बात करूं तो दिन सामान्यतः ठीक है भाग्य का साथ मिलेगा हालांकि जो भी जरूरी रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा जीवन साथी की बातों पर भरोसा करिएगा पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी हालांकि बाद में सुलह हो जाएगा जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना और सबसे जरूरी किसी का अपमान नहीं करना किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए जबरदस्ती कोई कार्य मत करिए संतान पक्ष से चिंता चिंता लगी रहेगी संतान पक्ष को लेकर के चिंता लगी रहेगी धैर्य के साथ आपको काम करना है जीवन साथी के साथ सहानुभूति बना करके चलिए बातचीत से आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी जितने भी कागजी कार्य हैं उन्हें आज आप पूरा कर सकते हैं अगर घर पे हैं तो किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहना होगा और घर पे हैं होली ही मना रहे हैं छुट्टी मना रहे हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करें ज्यादा काम की आवश्यकता नहीं काम आने वाले दिनों में भी हो जाएंगे संबंध में यदि कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई है तो स्पष्ट बात करिए सत्य बात से हर तरह की गलत फहमी दूर होगी लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं सामान्यतः ठीक ठाक कहूंगा और बात यदि आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो दाम्पत्य जीवन भी सामान्यतः ठीक है बस जहां भी गलत फहमी हो सत्य बात करिए सही बात करिए विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा वैसे दिन बहुत अच्छा तो नहीं है पर जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है पेट से संबंधित परेशानी और वाहन चलाते समय भी सावधानी आपको बरतनी होगी मसालेदार भोजन से आज आपको बचना चाहिए लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज पर्पल और गणेश का पाठ या श्रवण करिए बाकी के मीन राशि अगर आपके यहाँ होली है तो मैंने होली स्पेशल जो राशिफल बताया था उसके अनुसार भोलेनाथ के संग ही होली खेलेगा ज्यादा अच्छा रहेगा तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार